हाँ अभी यही केशवदास महाराज की कुटिया वो दिख रही है। हाँ अच्छा, वो जंगलों के अंदर है, वो सामने वो दिखाई दे जंगल रही के है। अंदर है। दोस्तों, महाराज जी ने हमको आश्रम का प्रसाद दिया है। पहले यहाँ अंदर से फूल आते थे, इसमें जो जलाता था, जो कामदगिर में धर्म कुंड में जो जलाता था, हाँ, उसमें पहले फूल आते थे ताजे अच्छा अंदर से। अच्छा ये माता अनसुईया से जो आई है, मंदाग्नि माता है ये, गंगा अच्छा जी अच्छा है। अच्छा हाँ अभी यही ये केशवदास महाराज की कुटिया वो दिख रही है। अच्छा, वो जंगलों के अंदर है, वो हाँ सामने वो दिखाई जंगल दे रही के है। अंदर है और पहाड़ की भौठी में भी है, गंगा जी के घाट किनारे में, कगरे में भी है। जी, हाँ तो महाराज जी इसीलिए, अकेले रह के वहाँ। हाँ अकेले रहते हैं और दो तीन और महात्मा है, अलग अलग कुटिया हैं सब लोग की। अच्छा जितने महात्मा हैं सब लोग अलग से रहते हैं, अपना अपना कुटिया बना के, अच्छा और बस यही भजन किया और यहीं से अपना राम जी जो चिताया वही खाया, जो ना मिला तो नहीं खाए, अच्छा अपना पड़े रहे, अपना अच्छा भजन करते रहे। भजन के ऊपर से सब मिलता है, खाने पीने का। महाराज जी, बस्ती यहाँ पर दूर दूर देखने को नहीं मिलेगी, चारों नहीं तरफ है से बस्ती, नहीं है 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर कोई बस्ती नहीं है। जंगल ही जंगल देखने को मिलेंगे। जी तो महाराज जी, यहाँ जानवर वानवर अरे नहीं आते? जानवर सब है, बंदर है, भालू है, चीता है, शेर है, अच्छा बरसिंगा है, ये हाँ सब जी है। अरे ऐसे कोई जी नहीं है कि नहीं है इधर जंगल में, महात्माओं के आश्रम में धावन नहीं बोलते नहीं हैं। ऐसा नहीं, ये सब राम जी की कृपा है, वो भी भजन भजन करने के लिए वो भी सोचते हैं महात्मा के लिए, अच्छा ऐसा कोई नहीं। महात्मा के लिए आज तक कोई यहाँ जानवर कोई भी ऐसा हलकंप नहीं मचाया है जी, कि किसी को भजन करने में डिस्टर्ब करे, किसी को आते जाते में डिस्टर्ब करे, ऐसा नहीं है। सब प्रभु जी की लीला है, दिखाई सब देते हैं। जी चलो महाराज जी। तो दोस्तों, रास्ते में हमको मंदाकिनी गंगा भी मिलती है, जो जंगलों के मध्य से होकर बहती हैं। तो अभी हम मंदाकिनी गंगा जी को पार करके उस पार आश्रम की ओर जाएंगे। बरसात में महाराज जी, जब ज्यादा पानी चलता होगा तब कैसे महात्मा जी निकलते होंगे? नहीं आना जाना बंद रहता है, अच्छा और जिस पार है उसी पार रहेंगे, इस पार क्या लेने आएंगे। अच्छा महाराज जी, और ये मतलब गंगा जी पूरा वहाँ जहाँ वो गाड़ी खड़ी है, हाँ हाँ और आगे से उतरे हैं वहाँ तक मंदाग्नि पहुँच जाती है। अच्छा, ऊपर तक पानी, हाँ चला जाता है। अच्छा और यहाँ कोई रास्ता नहीं रहता है, अच्छा सब रास्ते बंद हो जाते हैं। तो जो उस पार महाराज जी रहते हैं उसी पार रहेंगे? हाँ वो उसी पार रहेंगे, अच्छा जब उनका मंदाग्नि कम होगी तब वो इस पार आ सकते हैं। जी हाँ, ये तो बहा के ले जाती है तुरंत। अच्छा इतना तेज बहती है जी, ये पानी बहुत तेज जाता है, यहाँ पैर नहीं रख सकते हैं। अच्छा इतना तेज जा रही है, ये देखिए काफी सावधानी से निकलना होता है। और हम गंगा जी के इस पार आ चुके हैं। जिस जगह महात्मा रहते हैं वहां पर अकेले जाना बिल्कुल संभव नहीं है। महाराज जी की मदद से हम इतने दुर्लभ आश्रमों में पहुंच रहे हैं, जहां तक आम जनता का पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यहाँ ऐसा कोई आ नहीं सकता, यहाँ पक पंछी ज्यादा रहता है, अच्छा इसीलिए भयभीत से आदमी नहीं आ पाता है। अच्छा जिसको मालूम रहेगा किसी के सहारे से आ सकता है। जी चेता। ये आश्रम का प्रवेश द्वार है महाराज जी। जी आइए, कुटिया महाराज जी बिल्कुल पत्तों की बनी हुई है। जी कुटिया और पत्ते ही की रहती है महाराज जी की। ये देखे दोस्तों, महात्माओं का आश्रम परिसर और कुटिया महाराज जी के देखे छूल के पत्तों से बनी हुई है। सीताराम महाराज, सीताराम अभी तो ये चतुर्मासा में जो है ना जी,
सूखा हुआ है। हाँ हाँ, गर्मी का सीजन है तो सूख गए, जी। लेकिन चतुर्मास में बहुत भयंकर हो जाता है। हाँ, कुछ दिखाई नहीं देता होगा चारों तरफ, जैसे आप खड़े हैं ना, जी जी, इतने दूर को भी समझ में आएगा, जी जी। हाँ, अभी तो क्या है कि अभी छोटे छोटे वाले पौधे सब जो है पतझड़ में हो गए। हाँ हाँ, बड़े वाले जी मेरे नाम से कहो, पुराने पुराने महात्मा जो पूछते थे आप कैसे इधर आ गए हैं आप, जी, क्योंकि कठिन था ना इधर, जी जी, बहुत दुर्गम था, आप समझते हैं वनवासी भी खुश थे, जी जी। तो इसी तरह के जंगलों में महाराज जी श्री राम लक्ष्मण सीता जी रहते थे, इसी प्रकार अपना भी जैसे राम जी आनंद लेते थे, जी, वैसे अपने भी खूब लिए, जी। और ये साकेत धाम है आपका कामदगिर, जी, कामदगिर जो है, जी जी, साकेत धाम इसको कहते हैं, जी। यहाँ राम जी बराबर रहते हैं, जी। इधर शायद आपको न पता होगा, जी, हमने देखा है कि जो सरयू चलती थी, जी, पहले उधर से, अच्छा अच्छा, सरयू नमे तुले न तुलसीदास, जी, इसी सरयू की बात किया था, जी। ये सरयू जो है ना उधर से वो छोटे फाटक के पास में तालाब में आता था पानी, आज बंद है वो, जी। बरम कुंड में आता था पहले, यहाँ अंदर से फूल आते थे जो जलाता था, जी, जो कामदगिर में बरम कुंड में जो जलाता था उसमें पहले फूल आते थे ताजे, अच्छा, अंदर से, अच्छा, तो फिर क्या हो सकता है, ये साकेत धाम है, राम जी यहाँ रहे या करके इस तरह के जंगलों में भगवान रहते थे। अरे वाह, ये चिरौंजी है देखो, अच्छा, ये सही महाराज जी। ये देखो दोस्तों, महाराज जी के आश्रम में चिरौंजी का पेड़ है, चार बोलते हैं कहीं चिरौं, जी 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 जी। ये देखे दोस्तों चिरौंजी का फल, और महाराज जी के आश्रम में लगे हुए हैं, ये देखे आपको काफी नजदीक से हम दिखाई दे रहे हैं, और ये पेड़ है चिरौंजी का, जो जंगल में ही होता है और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो ले जाओ खूब निकालते हैं फिर बारिश के सीजन में, जी, बारिश में मुलायम हो जाता है ना, जी जी, जमीन, जी, ये जो लंबी निकलती है, अच्छा, कंद मूल फल जो भगवान खाते थे, जी जी जी, वही शुद्ध है यहाँ का जंगल का, जी, खूब है, बरसात में निकलता है, है तो अभी भी, जी जी, लेकिन उसके सूख गए पौधे, जी, और रही बात ये है कि खुदाई में दिक्कत है, जी, से नीचे निकलता है, अच्छा अच्छा, तो आपको तो पता ही है सब जंगल के पास, जी जी, बर्फा वगैरह जो है, जी, बर्फ के पास है, जंगल के जंगल ही था भरतपुर में भी, जी, जंगल ही था, हमने देखा ना बचपन में, जी जी, अब तो दुकानें वुकानें पता नहीं क्या क्या हो गए, जी, बहुत कुछ नहीं आपका भरतपुर का है, हम तो अपने आप सबको इतना सौभाग्यशाली समझते हैं कि यहाँ जन्म लिया, जी, है ना, तब भूमि के पास में फिर उसको भूल जाए, जी जी, बहुत से भूल गए हैं, अच्छा, लेकिन अपन सब नहीं भूले, जी, भगवान का घर भूमि घर यही था, भगवान का घर यही था, और वहाँ, हाँ, साकेत धाम बोलते हैं ना उसको, कामदगिर को साकेत धाम कहते हैं, वहाँ भगवान वास करते हैं, जो है ये भी 84 कोसी का वो माना गया है परिक्रमा, हाँ, सबसे बड़ा महत्व यही चारियों धाम का, जी, उनकी दोस्तों महाराज जी ने हमको आश्रम का प्रसाद दिया है, ये देखे, ये देखे दोस्तों महात्मा जी की खिचड़ी, जंगल की असली प्रसाद है यहाँ का कुटिया का, तो अभी हम प्रसाद पाएंगे, इसके बाद फिर आगे दूसरे आश्रम की ओर जाएंगे। दोस्तों चित्रकूट भ्रमण में आपको कई साधु संतों के दर्शन करवाए हैं, परंतु आज जिन संतों के दर्शन आपको करवाए हैं वो बाकी संतों से बिल्कुल अलग हैं और पर्ण कुटी बनाकर रहते हैं। देखे पत्तों की कुटिया महाराज जी की बनी हुई है और यहाँ पर 35 वर्षों से लगातार तपस्या करते आ रहे हैं। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कामदगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।
की मदद से हम